अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैर वाफियत अच्छे होंगे। तो जैसे कि मैंने कहा था कि ब्लॉग्स आएंगे तो भी ब्लॉग्स हाजिर है। तो आप लोग बताइए, बारिश हो रही है यहाँ पे भी? बहुत बारिश हो रही है रात से। जैसे मैंने आपको अपडेट किया था कि बारिश का मौसम है और बारिश बताई हुई है, तो तकरीबन रात से ही बारिश हो रही है। जैसे लास्ट टाइम मैंने पकौड़े बनाए थे तो आज मैंने सोचा कि मैं दही बड़े बनाऊँ। जी हाँ, सुनते ही मुँह में पानी आ जाता है। दही बड़े बहुत ये दही बड़े के लिए मैंने बेसन ले लिया है मियाँ जी। अभी कोई नया बेसन लेकर आए हैं, ये आप देख सकते हो, बेसन ये लेकर आए हैं। और अब हम इसमें ऐड करेंगे मसाला जात ज़्यादा नहीं है, बस दो तीन जो है वो है। रेसिपी बहुत इजी है, नमक है और मीठा सोडा है और थोड़ा सा ज़ीरा मैं डालती हूँ और पानी। मैंने इसमें ज़ीरा, नमक और जो है मीठा सोडा शामिल कर लिया। अब इसमें पानी मिला के इसको थोड़ा सा मैरिनेट करके थोड़ी देर के लिए मैं रख दूँगी। अच्छा, ये टेक्सचर तैयार हो गया है, आप देख सकते हो। ये देखिए आप कितना स्मूथ है। इसको थोड़ी देर के लिए हम छोड़ देंगे। हैंड मैंने पहले भी वॉश कर लिए थे, देन मैं इसको इधर से साइड से साफ़ करके फिर मैं वॉश करके इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दूँगी। अच्छा, तो ये शाम का टाइम हो गया है, मैरिनेशन मैंने करके रख दी है। देन मैंने पानी में चीनी पत्ती डाल दी है। अब मैं इसमें दूध शामिल कर रहे हैं और आप ये देख सकते हो कितना खूबसूरत कलर अभी से ही आ गया है। अभी हम चाय बनाने लगे हैं, आप देख सकते हो। ये मेरी चाय तैयार हो चुकी है, अब मैं इसको कप्स में निकाल लूँगी और आप देख सकते हो कितना ज़बरदस्त कलर आया है इसमें। ओए होए, धुआं धुआं रहा है समां। एक तो मैं निकाल चुकी हूँ, दूसरी मैं आपको दिखा रही हूँ। ये आप देख सकते हो, आप देख सकते हो। तो अभी हम चाय पीने लगे हैं और आप देख सकते हो ये बॉम्बे बेकरी का केक है, और जिसको माशाल्लाह पाकिस्तान से भी ज़्यादा जो है अरसा गुजर चुका है बने हुए। माशाल्लाह 100 ईयर्स, माशाल्लाह सेलिब्रेटिंग 100 ईयर्स। और आप देख सकते हो ये हैदराबाद में है, बहुत ज़्यादा फेमस है। और आप देख सकते हो, हेलो, आपने फोन किया, आप बताओ कौन? जी तो लेट्स बिगिन, और हम बनाते हैं हमारे दही बल्ले। दही बल्ले भी कहा जाता है उनको। हमने ये फ्लेम ऑन कर लिया है, देन हम जो है इस पर पैन रख देंगे। अब हम पैन में जो है ऑयल डाल लेंगे। मैंने ये बाउल में जो है पानी रख लिया है, ये एम्प्टी है और ये एक प्लेट है और ये स्पून है। अगर स्पून से डालना होगा तो स्पून से डाल दूंगी, अदरवाइज हाथ से डाल दूंगी। क्या डाल दूंगी? बेसन। मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। छोटे छोटे से ही डाल देंगे क्योंकि छोटे छोटे ही ज्यादा जल्दी गल जाते हैं और अच्छे भी लगते हैं ना। अभी हम देखते हैं, स्पून से भी डाल सकते हैं हम। पहले हम ऐसे डाल के देख लें। ये देखो आप हो चुके हैं ये। अब मैं इनको जो है इस पानी में निकाल लूंगी। ठीक है, रोटी भी बना ली है। ठीक है जी। अच्छा, ये वीडियो के चक्कर निकाल। अच्छा, रायता मैंने पहले बना लिया था इसके लिए, जिसमें मैंने नमक और हरी मिर्च, हरा धनिया एंड जीरा थोड़ा सा डाला था और थोड़ी सी चीनी डाली थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको इसमें अब हम ऐड कर लेते हैं, थोड़ा सा हम बचा लेते हैं, जब हमें लगेगा कम है तो और ऐड कर लेंगे। जी तो अब आप देख सकते हो ये खाने के लिए रेडी है। माशाल्लाह, कैसे लग रहे हैं आप लोग भी मुझे ज़रूर बताइएगा कॉमेंट बॉक्स में। तो ये दो अदर मैंने फ्राई कर लिए हैं पापड़। आप देख सकते हो इसका जो है ऑयल हम देखें निथार लेंगे, निकाल लेंगे जो टिप टिप पर सा ऑयल है। जी तो अब आप देख सकते हो ये खाने के लिए रेडी है। माशाल्लाह, कैसे लग रहे हैं आप लोग भी मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। जी तो ये देखिए, मैंने अपनी प्याली सजा ली है और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हैं, जूसी हैं, आप देख सकते हो। ये पापड़ हम खा चुके हैं थोड़े से, ये हैं मियाँ जी इतने शरीफ नहीं, आप देख सकते हो ये जो है स्टू खाएंगे।